आने वाली दिवाली के लिए लोग मिठाई बना रहे थे, सिर्फ रूपा को छोड़कर। रूपा एक अनाथ लड़की थी और उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। उसके गांव वाले ही उसका परिवार थे। अरे रूपा, अंदर क्यों हो? बाहर आओ, मिठाई खाओ। किसी ने मिठाई दी नहीं क्या? कौन देगा? बेचारी के ना माता पिता हैं, ना कोई रिश्तेदार। रूपा को भी मालूम नहीं था कि सच में उसका कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। मेरे रिश्तेदार है बुआ, और इस दिवाली पर वो मिठाई और उपहार भी लाएंगे। ये तो तू हर त्योहार पर कहती है रूपा, पर हमने तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है, पर वो मेरे दूर के चाचा है, इस साल वो जरूर आएंगे। गांव वालों के सामने उसने झूठ बोल दिया, इस बात से अनजान कि चंपट जो कि एक ठग था, वो चुपके से उसकी बात सुन रहा था। क्या बात है चंपट? तू तो यहाँ काम करने के लिए नौकर खोजने आया था, पर यहाँ तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल गई। रूपा, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, इतनी सीधी जब तुमको देखा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, इतने साल तुम्हें अकेला रहना पड़ा, पर अब नहीं, मैं आ गया हूँ। चलो अपने चाचा के साथ, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। रूपा असमंजस में थी कि क्या करे, जाए या ना जाए। सोच क्या रही हो रूपा? बहुत दुख झेल लिया तुमने, अब जाओ और अपने चाचा के साथ सुखी जीवन गुजारो। ये सच में मेरे चाचा कहाँ से आ गए? पर बातचीत से तो सचमुच मेरे चाचा ही लगते हैं। रूपा का झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो चंपट के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये नए नवेले चाचा की मीठी बातों की चाशनी में रूपा ऐसी चिपकी कि उसे चंपट की हर बात पर भरोसा होने लगा और वो सीधे चंपट के घर पहुंच गई। बस बहुत हो गया, अब पकड़ो अपना सामान। कौन हो तुम? चंपट, तुम्हारा नकली चाचा, मेरी बेवकूफ बच्ची। अब तुम यहीं रहोगी और घर का सारा काम भी करोगी, भागने के बारे में सोचना भी मत। चलो काम पर लग जाओ, और हाँ मेरी माँ का ख्याल रखना, वो देख सुन नहीं सकती। ये सब देख रूपा को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक अनजान इंसान पर भरोसा करके। लेकिन रूपा एक बहादुर लड़की थी, उसने वहाँ से भागने की ठान ली और एक प्लान बनाया। सफर में चलते चलते मेरी चाल बेचाल हो गई, थोड़ा आराम तो करने दो ना, फिर तो काम ही करना है। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे ये गई तो कहाँ गई? आपने एक बच्ची को देखा है? मेरी भतीजी, वो गोरी सी लंबे बाल वाली। नहीं, यहाँ मुफ्त में खड़े होने की अनुमति नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। कोई काम चाहिए तो बोलो। हाँ, काम चाहिए। इधर खड़े रहना और कोई राहगीर आए तो उसे कमरा दिखा देना, जितने राहगीर लाओगे उतने सिक्के मिलेंगे। ठीक है सेठ जी। चंपत चाचा, सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ।
अरे चाचा क्या हुआ? शेर, शेर, शेर। अरे ये तो यहाँ की आम बात है, मेरी मानो तो आज इधर ही रुक जाओ, वरना शेर को तो बस शिकार चाहिए। शिकार? हाँ सही कहा, शेर का शिकार होने से तो अच्छा रात इधर ही रुक जाओ, कोई ढंग का कमरा मिलेगा क्या? हाँ हाँ आओ मेरे साथ। ये रहा आपका कमरा, आराम से सो जाओ। अरे रे रे, एक बात बताना तो भूल ही गया, पीछे के कब्रिस्तान से रात को कभी कभी भूत टहलते हुए इधर आ जाते हैं, पर आप डरना नहीं, वो बस दिखते डरावने हैं, डराते बिल्कुल नहीं है। क्या भूत? अब आएगा मजा। अरे ये क्या? मुझे बेवकूफ बनाया था ना, अब चखाऊंगी तुम्हें मजा। रुको रुको भैया, थोड़ी मदद कर दो, ये पेटी मुझसे उठ ही नहीं रही है। पर इसमें ऐसा क्या है जो उठ नहीं रहा? क्या बताऊं, मुझे एक शादी में जाना है, शादी के सारे जेवर और कपड़े इसी पेटी में हैं। अगर समय पर नहीं पहुंची तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई मुंगी, चोर धर्म निभाने का समय आ गया है, इसे छोड़ दिया तो हम चोर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कहा भाई चुंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। रूपा पानी लेने अंदर जाती है, इधर मुंगी चुंगी पेटी को तुरंत उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रूपा बाहर आती है और हंसती है, तभी पीछे से लालचंद और बालचंद आते हैं। बहन हम दो चोरों का पीछा कर रहे हैं, कहीं इधर तो नहीं आए? हाँ, उधर गए हैं, देखो ना मेरा बक्सा भी ले गए, ये चोर भी ना। क्या? पकड़ो उन्हें। भाई चुंगी, सिपाही, अगर आज बच गए तो और भी चोरियां कर लेंगे, चल फेंक ये बक्सा। और इस तरह रूपा का पीछा चंपट से हमेशा के लिए छूट गया। अरे निकालो मुझे, बाहर निकालो। फिर वो अपने घर वापस गई, लेकिन एक नई सीख के बाद कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे? बिट्टू, बिट्टू। देखो देखो पापा आ गए। पापा। मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा तो बहुत बहादुर है। बिल्कुल रूपा की तरह। लेकिन इसे ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। गलती हो गई अम्मा। If you like this video, subscribe to our channel, Murthy Media.